Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 24th December 2021. Children, this is the last class of this year, not this session, this year, that is 2021. Aaj last class hai, tomorrow is Christmas, then Sunday, then winter vacation. So next class we will have in the new year. अभी इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी? न्यू ईयर में होगी. ठीक है. सो चिल्ड्रन, वी वर कंटिन्यूइंग विद यूनिट 10, दैट इज प्रोनाउंस. आज इस चैप्टर को मैं, इस यूनिट को कंप्लीट कर दूंगी. फ्यू एक्सरसाइजेस वर स्टिल लेफ्ट. ओके, सो प्रोनाउंस, आई होप यू ऑल रिमेंबर कि प्रोनाउंस जो है, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउंस. ठीक है, नाउंस की जगह जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउंस. ठीक है, नाउंस की जगह पे कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? व्हेन द सेम नेमिंग वर्ड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. किसी, जब हम एक ही नेमिंग वर्ड को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, देन इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट, उसको रिपीट करने की जगह हम जो वर्ड्स यूज करते हैं, दे आर नोन एज प्रोनाउंस. ठीक है, तो प्रोनाउंस के बारे में हमने पढ़ा. जैसे जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो क्या बोलते हो आप हिंदी में? बोलते हो मैं. एंड इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई. ठीक है, और जब हमारे साथ अगर कोई और भी है तो हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं हम, और इंग्लिश में बोलते हैं वी. ओके, आई, वी, दैट इज फर्स्ट पर्सन, जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने हैं वो क्या है? सेकेंड पर्सन, उसे क्या बोलते हैं? यू. तो सिंगुलर में भी यू है एंड प्लूरल में भी यू है. ओके, और जो हम किसी के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, कोई भी पर्सन है, एनी प्लेस, एनी थिंग विच इज़ नॉट देयर, हमारे सामने नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ही, शी एंड इट. ही इज़ यूज फॉर मेल नेमिंग वर्ड्स, शी इज़ यूज फॉर फीमेल नेमिंग वर्ड्स, एंड इट इज़ यूज फॉर एवरीथिंग एल्स. ठीक है, एंड प्लूरल में क्या यूज़ करते हैं? दे. तो आई होप ये अब सबको याद है. ही, शी एंड इट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इज, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, एंड विथ वी, यू एंड दे वी यूज आर. ओके, सो वी हैव डन फ्यू एक्सरसाइजेस. नाउ चिल्ड्रन, टर्न टू पेज नंबर 41. एक्सरसाइजेस 1, 2 एंड 3 वी हैव डन इन दिस यूनिट. इसमें हमने 1, 2 एंड 3 कर लिया था. नाउ वी विल बी डूइंग 4. पेज नंबर 41 इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक. ओके, पेज नंबर इज 41. नाउ सी दीज एग्जाम्पल्स. आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग. ठीक है, जैसे ये बोला, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग. फॉन्ड का मतलब है बहुत पसंद आना. ठीक है, फॉन्ड मतलब कोई काम बहुत पसंद आना. तो मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद है. आई के साथ मैंने क्या बताया था? वी ऑलवेज यूज एम विथ आई. आई के साथ एम के अलावा हम कुछ और यूज करते ही नहीं है. तो आई एम, ठीक है, आई, यहाँ पे आई क्या है? प्रोनाउन है, एंड एम इज द हेल्पिंग वर्ब. आई हैव मेनी कॉमिक्स. ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला आई के साथ हम हमेशा एम यूज करते, तो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट यूज ऑफ इज, एम एंड आर. ये भी हमने पढ़ा था कि हम इस कहाँ यूज करते हैं, एम कहाँ यूज करते हैं, आर कहाँ यूज करते हैं. जब आप अपने बारे में बता रहे हो, आई एम ए बॉय, ठीक है, आई एम अ गर्ल, आई एम 6 years old, तो एम जो है, एम इज यूज ओनली विथ आई. ये मैं नहीं बोलूंगी कि हम आई के साथ सिर्फ एम यूज करते हैं. एम वर्ड जो है वो सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है. ठीक है, आई हैव मेनी कॉमिक्स. हैव मतलब हैव और हैज, ये भी हमने पढ़ा है. हैज एंड हैव हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमें कोई पोजिशन, मतलब हमारे पास या किसी के पास क्या है वो बताना होता है. ठीक है, आई हैव, मेरे पास बहुत सारी कॉमिक्स हैं. आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी. वी आर सिबलिंग्स. अभी वी मतलब हम, सिबलिंग्स मतलब सगे भाई बहन जो होते हैं, तो वी आर सिबलिंग्स. ठीक है, हम सगे भाई बहन हैं. वी के साथ आर यूज करेंगे, प्लूरल है. वी आर इंजॉइंग इट. अगेन वी है तो वी के साथ आर यूज करेंगे. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. यू के साथ मैंने बताया था, यू इज यूज फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. यू के साथ आर यूज करते हैं. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू हेल्प मी इन स्टडीज. ओके, नाउ एक्सरसाइज 4 इज
Fill in the blanks with I, we or you. Fill in the fill. Exercise number 4 is fill in the blanks with I, we or you. ठीक है. Now let me write the sentences first, and with each sentence two options are given. You have to fill in the blank with correct option. Okay, first is Dash are going to mall, and the options given are I / we. Second is wow. Dash are looking very smart, and the options are you / I. Okay, third is Dash am 6 years old, and the options are I and we. I / we. Fourth is snowy, snowy, and I are cousins. Dash play together, and the options are I and we. I / we. Then fifth is Dash are disturbing disturbing me. Options are you / we. And sixth one is Dash am happy, and the options are we / I. Okay, now let us complete this. Dash are going to mall. Options are I and we. ठीक है, अगर I होने से तो मतलब am होता, are है that means plural है, तो इसमें से plural pronoun कौन सा है? We. So यहां पे क्या होगा? We are going to mall. ठीक है. Then wow, Dash are looking very smart. Wow, जब wow कब बोलते हो? जब कोई बहुत अच्छी सी चीज देखते हो तो कहते हो ना, wow कितना सुंदर सा फूल है, such a lovely dress, कितनी सुंदर सी ड्रेस है. तो wow मतलब something which is very beautiful. तब हम जब suddenly express करते हैं. अभी इस mark को कहते हैं, ये जो sign है, एक line है, उसके नीचे एक dot है, इसको कहते हैं exclamation mark. एक बार मैं पूरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन आई टेल यू अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, सो वाओ ये हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क जब हम सडनली किसी चीज के लिए रिएक्ट करते हैं. तो वाओ डैश आर लुकिंग वेरी स्मार्ट. तो अभी आर है तो आर के साथ कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? आई के साथ तो एम होगा, तो यू. वाओ यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट. ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे यू जो है दैट इज फॉर सिंगुलर, यू इज यूज फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. ठीक है, Dash am 6 years old. यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज am इज यूज विथ आई ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई एम 6 years old. अगर ऑप्शन नहीं भी दिया है देन ऑल्सो यू कैन डू इट, कि am इज यूज ओनली विथ आई. ठीक, देन Snowy एंड I आर cousins. अभी यहाँ पे आप ये सोच सकते हो, ये पूछ सकते हो कि मैम आपने तो कहा था कि I के साथ am यूज करते हैं, यहाँ पे तो R है. ठीक है, I के बाद R है. आर इसलिए है बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्नोई एंड आई. द चाइल्ड इज सेइंग स्नोई, स्नोई भी है. ठीक है, स्नोई की भी बात कर रहा है, तो स्नोई एंड आई आर कजिन्स, मतलब स्नोई और मैं कजिन्स हैं. तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, इसीलिए यहाँ पे आर यूज हुआ है आई के बाद.
स्नोई एंड आई आर कजन्स. तो अभी इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? आई अभी, आई सिंगुलर, हम भी यूज करेंगे, वी प्ले टुगेदर. देन डैश आर डिस्टर्बिंग मी. किसी को कई बार बोलते हो कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो क्या होगा यहाँ पे? यू, वी तो हम अपने लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? यू आर डिस्टर्बिंग मी. एंड डैश आई एम हैप्पी. एम है तो एम के साथ क्या यूज होगा? आई, आई एम हैप्पी. सो चिल्ड्रन प्लीज टेक अ स्क्रीन शॉट. अगर नहीं हुआ है तो आप मेरे साथ सब बुक में करो, और अगर नहीं हुआ है तो यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट. ठीक है, सो आई होप एवरी वन हैज टेकन अ स्क्रीन शॉट. नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मेक सेंटेंसेस. ओके, इसको मैं इरेज कर रही हूँ. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मेक सेंटेंसेस. मेक सेंटेंसेस, ठीक है, वाक्य बनाना है. जैसे हम बनाते हैं, द वर्ड्स आर, फर्स्ट इज आई. यू हैव टू मेक अ सेंटेंस विथ आई. आई वर्ड से आपको एक सेंटेंस बनाना है. तो आई से तो बहुत इजीली हम लिख सकते हैं. अगर बॉय हो तो यू कैन राइट आई एम अ बॉय. गर्ल हो तो यू कैन राइट आई एम अ गर्ल. ठीक है, आई एम वेरी टॉल, आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटिफुल. ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं. तो मैं लिखती हूँ आई एम स्मार्ट, बिकॉज अगर बॉय लिखूंगी तो फिर गर्ल्स बोलेंगे हमारे लिए नहीं लिखा, और गर्ल्स लिखूंगी, गर्ल लिखूंगी तो बॉयज बोलेंगे मेरे लिए नहीं लिखा. तो हम आई एम स्मार्ट लिखते हैं. ठीक है, वो बॉयज़ के लिए भी, बॉयज भी लिख सकते हैं, गर्ल्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ आई एम स्मार्ट. यू कैन ऑल्सो राइट आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम गुड लुकिंग. ठीक है ना, आई लव टू डांस, आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स, आई लाइक टू ईट केक. ठीक है, आई वर्ड आना चाहिए. तो मैं छोटा सा बिल्कुल सेंटेंस बना रही हूँ, आई एम स्मार्ट. सेकेंड वर्ड क्या है? सेकेंड इज वी. अभी आप वी से कुछ भी बना सकते हो. वी आर प्लेइंग, वी आर डांसिंग, वी आर जंपिंग, वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, वी आर गोइंग टू स्कूल, कुछ भी हम लिख सकते हैं. एंड सेंटेंस जब भी आप फ्रेम करो, यू कैन फ्रेम द सेंटेंस ऑन योर ओन, और जब भी सेंटेंस फ्रेम करो, ट्राई टू फ्रेम अ स्मॉल सेंटेंस. छोटे छोटे सेंटेंस बना, बिकॉज यू आर वेरी स्मॉल. जितने आप लंबे सेंटेंस बनाओगे, आपको उतनी मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी, उतनी ज़्यादा गलतियाँ करोगे. ठीक है, तो वी आर प्लेइंग, वी आर डांसिंग, वी आर गोइंग टू स्कूल, कुछ भी हम लिख सकते हैं. तो मैं लिखती हूँ वी आर, हम खेल रहे हैं. इफ यू विश, आप आगे किसी गेम का नाम भी लिख सकते हो. तो वी आर प्लेइंग हॉकी, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग खो खो, कुछ भी लिख सकते हैं. ओके, वी आर प्लेइंग हाइड एंड सीक. थर्ड वर्ड है यू. यू, यू से यू आर डिस्टर्बिंग मी, जो भी हमने पढ़ा. यू आर टॉकिंग, यू आर जंपिंग, यू आर प्लेइंग. ठीक है, यू से कुछ भी लिख सकते हैं. यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो. ओके, सो यू से हम कुछ भी लिख सकते हैं. मैं लिखती हूँ यू आर ईटिंग, यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो. ठीक है, देन नेक्स्ट इज यू के बाद है ही. ही दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समवन हु इज नॉट देयर. ठीक है ना, तो ही इज माय फ्रेंड, ही इज अ टॉल बॉय, शी इज अ, नहीं, ही से हमें बनाना है. तो ही इज अ टॉल बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही प्लेज फुटबॉल वेरी वेल, ही इज द कैप्टन ऑफ आर क्लास टीम, ही इज द क्लास मॉनिटर, कुछ भी हम लिख सकते हैं. He is the class monitor. Class का monitor होता है ना, तो he is the class monitor. Then fifth is it. It is a beautiful bird. Suppose we are talking about peacock. Peacock is our national bird. It is a beautiful bird. It is a beautiful flower. ठीक है,
जैसे सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट रोज, सो दिस इज अ रेड रोज, दिस रोज इज रेड इन कलर, इट इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर, ठीक है, इट इज़ अ वेरी बिग सिटी, इट इज़ अ ह्यूज सिटी, किसी चीज के लिए भी हम लिख सकते हैं. सो लेट अस राइट, इट इज अ ब्यूटिफुल बर्ड, ठीक है. एंड सिक्स्थ वर्ड इज डे. डे का मतलब क्या हुआ, डे इज प्लूरल, सो दे आर माई फ्रेंड्स. सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट टू चिल्ड्रेन, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स. ओके चिल्ड्रेन, सो साइड में हो जा रही हूँ मैं, यू कैन राइट एंड यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट. एंड विद दिस चिल्ड्रेन वी हैव कम्प्लीटेड दिस यूनिट. आफ्टर दिस देयर इज फन एक्टिविटी दैट यू हैव टू डू, यू कैन डू ऑन योर ओन. हर एक सेंटेंस में जो प्रोनाउन है दैट इज नॉट करेक्ट अंडरलाइन किया हुआ है, आपको उसकी जगह करेक्ट प्रोनाउन यूज करना है. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन, वी हैव कम्प्लीटेड दिस यूनिट. नाउ इन द न्यू ईयर वी विल स्टार्ट विद अ न्यू यूनिट. ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.